खबर की ओर। उत्तराखंड के नानकमत्ता में आईटीबीपी में भर्ती होने गए सूरज सक्सेना की हत्या से हताश होकर उसके भाई गोविंद ने भी मौत को गले लगा लिया। गुरुवार की देर रात अपने ही घर में फांसी लगाकर गोविंद ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बताया जा रहा है कि गोविंद भाई सूरज की मौत के बाद काफी सदमे में था। हत्यारों पर कोई ठोस कार्रवाई और अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं होने से भी परेशान था। गोविंद ने आईटीबीपी जवानों पर भाई की हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद तीन जवानों को 27 अगस्त को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उसके बाद किसी भी आरोपी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गोविंद की मौत से परिवार में कोहराम।